सो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपके लिए मेन टॉपिक रहेगा गुडविल क्या है सर। सो यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शो द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन मार्केट। तो यहाँ आपके लिए दो नए वर्ड्स है, फर्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स, सेकेंड रेपुटेशन। सो इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स जो हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। सर कुछ पता नहीं चला तो पहले हम रेपुटेशन देखते हैं, उसके बाद आपको पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। रेपुटेशन, रेपुटेशन यानी कि मार्केट में हमारी क्रेडिट, हमारी रेपुटेशन। ओके, एक सिंपल सा हम इलस्ट्रेशन लेते हैं यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम समझते हैं। ये शॉप है, शॉप का नाम है कर्णावती दाबेली। ये सब आप लोग पहचान दी है, कर्णावती दाबेली इज अ फेमस शॉप। ओके, सो सपोज इसका जो ओनर है उसको फॉरेन जाने का हुआ और उसकी शॉप उसको सेल करनी है। हमने पूरी की पूरी शॉप का वैल्यूएशन निकाला, शॉप एंड फर्नीचर दोनों मिला के उसकी वैल्यू हुई है 90 लाख रुपीज। बट जब ओनर को पूछा जाएगा कि वो कितने में सेल करना चाहता है तो वो बोल रहा है हमको चाहिए 1 करोड़। ऑफिशियली हम उसको क्वेश्चन करेंगे, भाई 90 लाख रुपीज वैल्यू है, आप 1 करोड़ क्यों ले रहे हो, 10 लाख ज्यादा क्यों ले रहे हो भाई? तो वो बताएगा सर इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मार्केट में मेरी रेपुटेशन है, मेरे शॉप के नाम से ही लोग यहाँ दाबेली खाने आते हैं। ओके, अगर ये शॉप आप परचेस कर लेते हो तो अभी से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप मेरे जैसी कोई शॉप न्यू ओपन करोगे, मेरे जैसी दाबेली बनाओगे, फिर भी उसको फेमस होने में 5 ईयर लगेगा, 5 ईयर तक आपको नॉर्मली प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मैं आपको ऐसा फॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा बिजनेस दे रहा हूँ जो अभी से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि अभी से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है उसका 10 लाख रुपीज ज्यादा दे रहा हो उसकी रेपुटेशन का। सो रेपुटेशन इज अ गुडविल, यानी कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन उसको गुडविल बोला जाता है। हम रेपुटेशन देख सकते नहीं है, महसूस कर सकते हैं कि इसकी रेपुटेशन कितनी है, वो दिखाई नहीं देती है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, थर्ड पीरियड ऑफ बिजनेस, नंबर 4 मार्केट सिचुएशन, नंबर 5 एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स एंड अदर स्पेशल बेनिफिट्स। इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले ये टॉपिक याद रख लेते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, पीरियड ऑफ बिजनेस, मार्केट सिचुएशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स एंड अदर स्पेशल बेनिफिट्स। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस यानी क्या होता है इसमें? इसमें ये देखने का है कि हमारा जो बिजनेस है वो जो अदर बिजनेस है उससे प्रॉफिट ज्यादा अर्न करता है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करता है तो हमारे बिजनेस की गुडविल ज्यादा है ऐसा बोला जाएगा। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहा है, उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो उसके प्रॉफिट अर्न करने का जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप है, हम इतना सोचते हैं कि उसका ईयरली प्रॉफिट 10 लाख होगा, बट अगर उसका प्रॉफिट 10 लाख से ज्यादा यानी कि 15 लाख रुपीज हो रहा है तो ऐसा बोला जाएगा कि उसकी गुडविल ज्यादा है, और अगर प्रॉफिट कम है तो गुडविल कम है ऐसा बोला जाएगा। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ बिजनेस, नंबर 2 लोकेशन। तो आपका बिजनेस कौन सी लोकेशन पे है वो भी गुडविल को इफेक्ट करता है। यानी कि कोई अच्छी जगह पर है, कोई फेमस एरिया में है, कोई फेमस एरिया में आपका बिजनेस है तो उसकी गुडविल ज्यादा रहेगी, और अगर किसी नॉर्मल एरिया में है तो वो भी उसकी गुडविल कम रहेगी। किससे कम रहेगी? तो फेमस एरिया है उससे नॉर्मल एरिया में। फॉर एग्जांपल बात करते हैं शुकन क्रॉस रोड है, वहां पे आपका बिजनेस होगा तो उसकी गुडविल ज्यादा रहेगी, और नरोड़ा में आपका बिजनेस है तो शुकन से उसकी गुडविल कम रहेगी। भले ही
दोनों की रेपुटेशन मार्केट में सेम है, फिर भी लोकेशन भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ बिजनेस, इसमें पीरियड यानी कि टाइम पीरियड की बात की है। बिजनेस जितना ओल्ड होगा आपका उतनी मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा होगी, रेपुटेशन ज्यादा होगी तो गुडविल भी क्या होगी ज्यादा, और जितना न्यू बिजनेस है उतनी रेपुटेशन कम होगी और उतनी गुडविल भी क्या होगी कम। सो फिर से एक बात देखते हैं पीरियड ऑफ बिजनेस, उसमें बात करते हैं उसके ईयर की। तो बिजनेस जितना ओल्ड उतनी रेपुटेशन ज्यादा, जितनी रेपुटेशन ज्यादा उतनी गुडविल ज्यादा, बिजनेस जितना न्यू उतनी रेपुटेशन कम, जितनी रेपुटेशन कम उतना गुडविल भी कम रहेगी। अब देखते हैं मार्केट सिचुएशन, आपके बिजनेस की मार्केट में सिचुएशन क्या है वो भी गुडविल को इफेक्ट करता है। कैसे सर? तो देखते हैं, अगर आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस ऐसा है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई और नहीं बना रहा है, सिर्फ अकेले आप ही हो, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। बट आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा है मार्केट में, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ऐसे सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर ज्यादा है, तो मार्केट में आपकी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल बोली जाएगी, उसके हिसाब से आपकी गुडविल भी क्या होगी कम। सो फोर्थ टॉपिक है मार्केट सिचुएशन, अगर आप अकेले ही वो प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, और मार्केट में आपके जैसे काफी सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मार्केट में उसकी गुडविल कम होगी। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, यहाँ पे बात की है मैनेजर्स के वर्क की, यानी कि जो ओनर है ओनर उसके वर्क की। अगर ओनर अच्छा वर्क कर रहा है, मैनेजर अच्छे वर्क कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो मार्केट में तुम्हारे शॉप की गुडविल ज्यादा रहेगी। बट मैनेजर नॉर्मली वर्क कर रहे हैं और अदर बिजनेस से कम प्रॉफिट हो रहा है तो गुडविल कम रहेगी। सो ये है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। लास्ट वाला टॉपिक है अदर स्पेशल बेनिफिट्स। अदर स्पेशल बेनिफिट्स यानी कि आपके बिजनेस के पास ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से अदर बिजनेस से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आपकी गुडविल ज्यादा रहेगी। सर ऐसा स्पेशल बेनिफिट्स क्या है? तो लाइक कोई आपके पास कोई फ्रेंचाइजी है या फिर आपके पास लाइसेंस है कोई, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैकडी, मैकडी की फ्रेंचाइजी है और आप बर्गर बना रहे हो तो अदर शॉप से आपका गुडविल ज्यादा रहेगा क्योंकि मार्केट में मैकडोनल्ड्स की रेपुटेशन ज्यादा है उसकी वजह से। तो फिर से बात एक बार हम टैली कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें सिक्स टॉपिक है। फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, थर्ड पीरियड ऑफ बिजनेस, फोर्थ मार्केट सिचुएशन, फिफ्थ एफिशिएंसी ऑफ मार्केट मैनेजर, एंड सिक्स अदर स्पेशल बेनिफिट्स।
So student, our next topic is necessity for goodwill valuation. उसके सिक्स टॉपिक्स है, ये सिर्फ जानने के लिए है क्योंकि ये इसके बाद वाले चैप्टर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे, इसलिए हम जान लेते हैं। इसके डिटेल में जाने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। फर्स्ट है चेंज इन पीएनएल रेशियो, यानी कि अगर पीएनएल रेशियो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है तो हमको गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी और ये सारी की सारी गुडविल पार्टनर्स के बीच में शेयर होगी। नंबर टू, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, अगर किसी नए पार्टनर्स को हम एडमिशन देते हैं तो वो पार्टनर्स के लिए हमको गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि वो नया पार्टनर्स आता है तो अपने साथ कैपिटल लाता है। वो कैपिटल क्यों लाता है? क्योंकि बिजनेस में उसको शेयर चाहिए उसके लिए। सेकंड थिंग है, उसको गुडविल भी लानी पड़ेगी। क्यों गुडविल लानी पड़ेगी? क्योंकि उसको हम प्रॉफिट में शेयर देते हैं उसके लिए। नंबर थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, यानी कि कोई पार्टनर्स अगर रिटायर्ड हो रहा है तो उसको भी हमको गुडविल देनी पड़ेगी क्योंकि इतने ईयर उसने बिजनेस में काम किया है, बिजनेस की रेपुटेशन दी है, उसके लिए उसको गुडविल देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे उसके लिए हमको गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर डेट ऑफ पार्टनर्स, यानी अगर किसी पार्टनर्स की डेट हो जाती है तो उसको गुडविल देनी पड़ती है, उसके लिए हमको यहाँ पे गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। कन्वर्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन टू अ कंपनी, अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो सभी पार्टनर्स को उसका शेयर यानी कि जितनी भी गुडविल आती है, उतने जितना भी काम किया है उसके हिसाब से उसको गुडविल फाइंड करके देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट टू अ स्टार्टअप बिजनेस, यानी कि दो पार्टनरशिप फर्म है वो ज्वाइंट हो जाती है और साथ में बिजनेस स्टार्ट करती है तभी गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी और पार्टनर्स के बीच में शेयर करनी पड़ेगी। तो ये नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन है, ये सिक्स टॉपिक है। फिर से एक बार उधर भी देख लेते हैं। फर्स्ट, चेंज इन पीएनएल रेशियो, सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, नंबर फोर, डेट ऑफ अ पार्टनर्स, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन टू अ कंपनी, नंबर सिक्स, टू पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारे अब सम स्टार्ट हो गए। इसके बाद कितने मेथड्स हैं? तो टोटल फोर मेथड्स हैं गुडविल काउंट करने की। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम अभी हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड फोर्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये चार मेथड के सम आपको सम क्वेश्चन भी आते हैं और सम भी आते हैं। वन मार्क्स का एमसीक्यू होता है, वन मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है और फोर मार्क्स का एक सम भी रहता है।